मास्टर जी, मास्टर जी, आप ये प्लीज बैकग्राउंड म्यूजिक देना बंद करेंगे? इट्स नॉट हेल्पिंग मी काम के बीच में। अरे बेटा, मैं बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं दे रहा हूँ, मैं गेम खेल रहा हूँ। तुम कहो तो म्यूट करके खेलता हूँ। एग्जैक्टली, मैं ये कह रही हूँ कि आप प्लीज गेम छोड़ के मेरी हेल्प कर दो काम में। यार वो रितिका कपूर का अप्रूव्ड स्केच नहीं मिल रहा है, अभी तो दिखा रही थी मैं आपको। अरे बेटा मिल जाएगा, काम डाउन करो थोड़ा। मास्टर जी काम अटका हुआ है, आप कह रहे काम डाउन हो जाऊं? पता ना, स्केच नहीं मिला तो डिजाइन नहीं कर पाऊंगी, तो बड़ा ऑफर हाथ से चला जाएगा ना, तो भूल जाओ पैसे। अरे बेटा ऊपर वाले पे भरोसा करो, सब मिल जाएगा। हाँ ऊपर वाले को रेंट देना है, ऊपर ही रहते हमारे लैंडलॉर्ड। कौन ऊपर वाला? मास्टर जी नीचे नीचे। देख के बैठा करो। ये देखो गर्मा गर्म है, लगता है अभी अभी प्रिंटर से निकला है। अभी यहाँ क्या कर रही हो? इसका कंप्यूटर पर नक्शा बनाओ ना। वही कर रही हूँ, मैं फोटो ले रही हूँ। बेटा एक बात बताऊँ, तुम घबरा जल्दी जाती हो। अगर अच्छा काम करना है ना जिंदगी में, तो दिमाग को थोड़ा शांत रखो। थैंक यू मास्टर जी, पर आपको पता है ना कितना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है मेरे लिए। अरे यार रितिका कपूर जैसी बड़ी स्टार ना बतरास के अलावा एक छोटी सी पार्टी के लिए डिजाइन करने के लिए ना दे किसी को, और फिर ये तो इतना बड़ा इवेंट है। वो कोई एहसान नहीं कर रही है तुम पर, वो तुम्हारे टैलेंट से अच्छी तरह वाकिफ है। बतरास में रितिका की सारी डिजाइनिंग तुम ही तो किया करती थी। देखो बेटा, बाहर वाले जितना तुम पर भरोसा कर रहे हैं ना, उतना ही भरोसा तुम अपने आप पर रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और फिर मैं तो तुम्हारे साथ हुई, तो ये बात बतरास में किसी को पता नहीं चली जाएगी। अरे मास्टर जी कैसे पता चलेगी? एंड थैंक यू सो मच, आप बतरास में इतना बिजी होते हो पूरे दिन, और फिर यहाँ आके शाम को मेरी भी हेल्प करते हो। मुझे जैसे ही पेमेंट मिलेगी मैं सबसे पहले आपका क्लियर कर दूंगी। अरे बेटा क्यों शर्मिंदा कर रही हो, मुझे भी तो ऊपर जाकर मुंह दिखाना है। आप जानते हैं हमारे लैंडलॉर्ड चौधरी अंकल को? अरे उससे भी ऊपर, उससे ऊपर टेरेस है। अरे बेटा खुदा भगवान गॉड, उसको तो मुंह दिखाना है ना। ठीक है, उससे पहले हमें रितिका कपूर को डिजाइन दिखाना है, तो चलो काम शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, तुम डिजाइन पुख्ता करके फैब्रिक मंगवा लो, तो कल से काम शुरू करते हैं। हाँ मास्टर जी, मैं वही कह रही थी कि ऐसा करते हैं, बाकी सब मैं मैनेज कर लेती हूँ, बस फैब्रिक का आप देख लो, और आपको तो इजीली क्रेडिट पे मिल भी जाएगा, आपके तो इतने कॉन्टैक्ट्स हैं ना ऑलरेडी मार्केट में। अरे बेटा फैब्रिक क्रेडिट पे नहीं मिलता है। एक बार बस फैब्रिक का देख लो। ठीक है मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन कामयाब होने के बाद भूल मत जाना मुझे। अरे मास्टर जी कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो किस्मत ने मेरी लाइफ के दरवाजे पे अच्छे से नॉक भी नहीं किया है। ये लो, किस्मत ने सीधी घंटी बजा दी। हाय, मैं अभय तेरा भाई, इसी घर में रहता हूँ। घर पे कोई है क्या? मेरा सीक्रेट बॉयफ्रेंड है। सीक्रेट बॉयफ्रेंड? सच में कोई है क्या? अरे भाई मास्टर जी है। मास्टर जी थोड़े बड़े नहीं है क्या तेरे लिए? और वैसे तू तो कह रहा था कि आज तुझे लेट हो जाएगा ऑफिस में काम करने वाले। अरे मैं काम ही कर रहा था, एकदम से किसी का फोन आया तो मुझे आना पड़ा अर्जेंट। किसका सरप्राइज है? क्या सरप्राइज है? सरप्राइज पता है नहीं, दिखाया जाता है। हाय, आ जाओ, वेलकम वेलकम। बढ़िया भारी यार ये तो। पुलके सरप्राइज। हाय हाय। तो तेरे पास 500 का छुट्टा है क्या? मुझे रिक्शा वाले को देना है यार। 500 का छुट्टा मैं चेक करता हूँ वॉलेट में एक बार। ये क्यों है? He's going to stay with us. यार मेरे पास 2000 का और 20 का नोट है, तू फोन से पे कर देना। अरे यार वो रिक्शा वाला थोड़ा ओल्ड स्कूल है यार, he doesn't believe in digital India. अरे राशि बेटा, मैंने वो फैब्रिक्स वाले से बात कर ली है, कल वो। अरे अभय बेटा। हेलो मास्टर जी, हाउ आर यू? बस बहुत गुड गुड। आपको पहले भी कहीं देखा है मैंने? अरे टीवी पे देखा होगा, एक्टर है बहुत बड़ा। अरे टीवी देखने की किसको फुर्सत है, सारा दिन काम में बिजी रहते हैं, काम से घर, घर से काम। हाँ याद आया, मैंने तुम्हारी फिटिंग की है। मैं जिसकी फिटिंग कर लेता हूँ उसे जिंदगी भर नहीं भूलता। कौन सा शूट था वो? मास्टर जी आपके पास में 500 रुपए का छुट्टा होगा क्या? मुझे रिक्शे वाले को देना है। ये देखता हूँ मैं, 500 तो नहीं है, 200। चलेगा चलेगा ब्रो, 20 तू देना। थैंक यू।
बेटा एक मिनट, ये काम करते हैं ना, वो जो नीचे रिक्शा खड़ा है ना, उसको मैं खुद ले जाता हूँ घर, हाँ मैं दे दूंगा उसको पैसे। ठीक है मास्टर जी, मुझे फैब्रिक का बताना आप। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। अरे हाँ याद आया, सुपर स्ट्रॉन्ग स्टेमिना कैप्सूल, उसकी छूट पे मिला था ना मैं तुम्हें, है? वो क्या डायलॉग था उसका? हाँ, एक कैप्सूल सुपर स्ट्रॉन्ग फुल नाइट डिंग डोंग। पर ये सब फालतू की बातें हैं, कुछ होता होता नहीं। क्या बात है, आपने ट्राई किया क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, वो बासी वाला बता रहा था। रिक्शा वाले ने मेरा बैग जमा करके रखा यार, लाना पड़ेगा। एक कैप्सूल सुपर स्ट्रॉन्ग फुल नाइट क्या था भाई? मैं क्या पूछ रही हूँ बार बार, क्यों आए यहाँ पे? अरे एक्चुअली उसकी लैंडलॉर्ड की मॉम आ रही है यहाँ जर्मनी से, तो सो शी नीड्स टू गेट क्वारंटाइन दैट हाउस, और उस बेचारे ने खुद ही छोड़ दिया वॉलंटरली। अब इतनी जल्दी उसको अपने मनपसंद का घर कैसे मिलेगा? व्हाट मनपसंद? नवाब है क्या कहीं का? हाँ थे तो नवाब उसके एंसेस्टर राजगढ़ के। और तू कितना चिढ़ती है, पहले तो यू गाइस यूज्ड टू गेट अलोंग वेरी वेल। मैं क्यों चिढ़ूंगी जज़दार, मुझे डिस्टर्बेंस होगा ना। तू ही सोच, मैं बिना पूछे अपने किसी फ्रेंड को, मैं विन्नी को बुला लूं, तुझे कैसा फील होगा? मुझे तो अच्छा फील होगा, शी इज वेरी प्रिटी, इनफैक्ट मैं उसके साथ अपना बेडरूम भी शेयर कर लूंगा। मतलब वो ऊपर सोएगी मैं नीचे सोऊंगा, या वो नीचे सोएगी मैं ऊपर सोऊंगा, व्हाटएवर शी इज कंफर्टेबल विद। आई एम नॉट कंफर्टेबल, या दिस इज इंट्रूजन ऑफ प्राइवेसी, मेरा भी तो हक है ना इस घर में। तेरा हक है ना, 50% तेरा हक है, 50% मेरा हक है, तो मैंने अपने 50% से उसको इनवाइट कर लिया, अब तू अपने 50% से उसको निकाल दे। मैं क्यों निकाल दूं, मैंने थोड़ी बुलाया है। तो मैं कैसे निकाल दूं यार, मेरा जिगरी दोस्त है, मैं ऐसे थोड़ी ना बोल दूंगा। एक काम करते, वो आएगा ना तो तू खुद ही बोल देना। ले आ गया, एक काम करते तू खुद बोल दे, ठीक है? आ जा पुलकित, पुलकित आ जा इधर, इधर ये बैग इसको साइड में रख, अंदर आ, इधर आ। राशि तुझसे कुछ कहना चाहती, राशि जो बोलना है बोल दे, तेरे सामने खड़ा है, बोल दे जो बोलना है। क्या क्या कहना चाहती है बोल दे। मैं भूल रही हूँ, चाय पिएगा कोई? मैं बना रही हूँ चाय। पिएगा क्या चाय? हाँ ग्रीन टी, कैमोमाइल। कैमोमाइल, मैं कह रहा था ये एक्टिंग लोग बहुत फिटनेस फ्रीक होते, तभी इतनी मस्त बॉडी बना रखी है। एब्स दिखाना। अरे ब्रो बात देख, इसके एब्स देखिए। हाँ अरे तेरी छोटियां जैसे शर्मा के रहा, दिखा आराम से, फ्रेश होकर दिखाता हूँ दोनों को। एब्स ठीक है, जो भी बना दे। चल बैग उठा। अरे हाँ यार क्या कर रहा है ब्रो? तेरा बैंक अकाउंट हैक कर रहा हूँ। कर रहा तो ना पापा का कर रहा, क्योंकि उसमें ना काफी सारे पैसे हैं, आधे यहाँ दे देना। और बता अंकल आंटी कैसे? सब बढ़िया, तू सुना? बस यार तेरे भाई ने ना फाड़ू सा गेम क्रिएट किया है, लाइट डिटेक्टर ऐप। अच्छा? हाँ, इट्स गोना चेंज द गेमिंग इंडस्ट्री मैन। बस फाइनल टेस्टिंग चल रही है, एक्चुअली ऑफिस में करने वाला था, तेरा फोन आ गया तो आ गया यहाँ पे। ब्रो दैट्स ऑसम यार। अबे ब्रो यार थैंक यू यार, यू नो मेरे ऐसे वक्त में ना सिर्फ तूने मेरा साथ दिया। कैसे वक्त? यही बेघर होने वाले वक्त पे। बेघर की बातें मत कर, इट्स नो बिग डील यार। और ये क्या फिल्मी डायलॉग्स मार रहा है, ऑडिशंस के लिए बचा के रख, नो फॉर्मेलिटीज। तुझसे क्या फॉर्मेलिटी करूंगा यार मैं? नहीं मुझसे भी नहीं और राशि से भी नहीं, तेरी छोटी बहन जैसी है। यार हम इतने दिनों के बाद मिले हैं और तू काम कर रहा है, कल कर लेना काम। नहीं नहीं यार, मीटिंग है इन्वेस्टर्स के साथ, डेडलाइन है, आई हैव टू फिनिश दिस। I'm amazed यार, तू इतना डेडिकेटेड कैसे हो गया कॉलेज में? तो कॉलेज में तो मैं चूड़ी नहीं मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना 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 सका ना 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 रे ना रे ना रे। तुम लोग अंताक्षरी खेल रहे हो गाइस, हाउ ओल्ड आर यू? तू भी खेल ले। नहीं मुझे बहुत काम है, मैं पूछ रही थी सुनीता ने मेरा खाना बनाया, तुम लोग डिनर? नहीं हम लोग तो पिज्जा ऑर्डर कर लेंगे, है ना? तू अपनी टेंशन दे, पिज्जा ऑर्डर कर दे तू, ठीक है? ब्रो मैं डाइट पर हूँ यार, मैं तो प्रोटीन शेक पी लूंगा, मैक्स टू मैक्स अगर अंडे होंगे ना तो बॉईल करके खा लूंगा यार, रात को मैं डिनर करता ही हूँ, आई अवॉइड इट टोटली, सो नो इट्स नो फॉर मी। क्या यार तुम एक्टर लोग भी ना, चल ठीक है मेरे पैसे बच गए। तेरी ट्रीट थी ब्रो, आई एम सो सॉरी यार, तेरी खुशी के लिए ना डाइट स्किप। यार एक दिन खाना खा लूंगा, मर थोड़ी ना जाऊंगा। क्रेजी। देख भाई अगर मंगा रहा है ना तो प्रॉपर खाना मंगा, बटर चिकन बिरयानी और नान, दैट्स माय फेवरेट। ये हुई ना बात, मेरे जीते। नाइस, डाइट से सीधा बटर चिकन। खाने देना बेचारे को, कितना कमजोर हो गया देख। बिल्कुल खाओ यार, मैं तो सच बोल रही थी, कैरी ऑन। ए रुक रुक रुक, सच से याद आया, अब होगा एक अद्भुत खेल, होगा सबका पर्दाफाश, आ जाओ खेलते हैं लाइट डिटेक्टर ऐप गेम। भाई मुझे बहुत काम है, प्लीज यार, प्लीज रुक जा यार, प्लीज यार, ये बीटा वर्जन लॉन्च हुआ है, मुझे चेक करना है यार। यार इसमें करना क्या है? अरे बहुत सिंपल है,
देख मैं पूछूंगा एक सवाल जिसका देना है तुझको जवाब येस और नो में। अगर सच बोला तो जलेगी ग्रीन लाइट और अगर झूठ बोला तो जलेगी रेड लाइट। रेडी रहना, आ जा राशि। आ जाए प्लीज, 5 मिनट दैट्स इट, फाइन, ओके ओके। तो राशि जी क्या आपको लगता है कि आपका भाई दुनिया का सबसे अच्छा भाई है? नो, आई लव यू टू छुटकी, डोंट कॉल मी दैट। ओके, अगला सवाल पुलकित आपसे, क्या मैं तेरा सबसे अच्छा दोस्त हूँ? तू मेरा ही नहीं, पूरी की पूरी दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त है। जब भी दोस्ती के बारे में जिक्र होगा ना, यस या नो में जवाब देना है, ऐसे नहीं लिखना। बोलने देना बेचारे को यार, मेरी तारीफ करे तो बोल, क्या बोल रहा था? यस। अगला सवाल राशि जी अगेन आपसे। ओके आई एम रेडी। तो राशि जी, क्या आप पुलकित के यहाँ आने से खुश हैं? यस। ग्रीन लाइट कैसे जल गई? तो क्या रेड लाइट जलनी चाहिए थी क्या? मेरे आने से दुखी है। अब भाई की बारी। ओके। तो क्या आपको लगता है पुलकित एक अच्छे एक्टर है? Yes. Am I a bad actor? नहीं। तो ये आप खराब है? नहीं। I mean, आप सही है, मतलब I think मैंने तेरा ज्यादा काम देखा नहीं है ना, तो मुझे कैसे पता होगा। और तूने जो काम किया वो मुझे दिखाया नहीं तूने, और तेरा कौन सा वो सुपर स्ट्रॉन्ग स्टेमिना कैप्सूल वाला एड भी मैंने इसका नहीं देखा। तू लिंक भेज दिया कर ना जो भी किया कर। एक सेकंड, बॉस का कॉल आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है मैं निकलता हूँ। I'm glad कि तुझे मेरे यहाँ पर रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलकित, मुझे क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? तू भाई का दोस्त है। सिर्फ भाई का दोस्त हूँ, इसलिए। राशि, I'm really very sorry, okay? I should have called you, यार। मुझे सब कुछ explain करना चाहिए था। नहीं, पुलकित, relax। किसी को कुछ भी explain करने की ज़रूरत नहीं है। It does not matter। 2 साल पहले हुई बात की वजह से कोई grudges लेके नहीं घूम रही हूँ मैं। खुद को इतनी भी importance मत दे। It was just a stupid moment, right? So, we are good. हाँ यार, we are good. मैं भिजवाती दे लिया, butter chicken. Yeah. It was just a stupid moment. She's right. It was just a stupid moment. आज सूरज पश्चिम से निकला क्या? I can't hear you. मैं कह रही हूँ सुबह सुबह किचन में क्या कर रहे हो भाई? I can hear you. चिल्ला क्यों रही है? नाश्ता बना रहा हूँ, रात भर काम किया, और सुनीता ने कॉल किया आज नहीं आएगी। क्यों नहीं आ रही हो? She was sounding very sick. इसलिए दुनिया का सबसे अच्छा भाई अपनी ओके ओके बहन के लिए नाश्ता बना रहा है। इतना ही अच्छा भाई है तो फिर लंच बना दे। अच्छा हूँ पर बिजी हूँ, ऑफिस जाना है मुझे। इसे तू क्या बना रहे? This is panatha. And what's panatha? अरे actually मैं pancakes बना रहा था, पर शक्ल से पराठे जैसा दिख रहा है, तो I have named it Abhay's panatha. पर pancake में सब्जियां क्या कर रही हैं? Health add कर रही हैं। Oh. मैंने सोचा सिर्फ मैदा क्यों? सब्जियां भी खा लेते हैं। क्या कर रहे हो तुम मेरी बाल्टी के साथ? Do you need them? I'm just working out. You know, घर पे ऐसी ट्रेनिंग करते हैं। अब you know, लॉकडाउन में जिम्स तो बंद हो गए थे, तो मैं घर पे इसी तरह नए नए तरीकों से इनोवेटिव स्टाइल से वर्कआउट करता हूँ। You know, where there's a will, there's a way. हाँ, but there's a way to the gym, ना? अब तो जिम्स खुल गए हैं। हाँ, but you know, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हर इंसान को 2-2 गज की दूरी बना के चलना है। अब हर इंसान 2-2 गज की दूरी रखेगा तो अपने अपने घर नहीं पहुंच जाएगा। मैं तो ऑलरेडी घर पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ ना अपने। अपने I mean,
तेरे घर पे? Whatever. मैं पूछ रही हूँ कि लंच में क्या खाएगा? I'm cooking. For me? No. For me? तू खाएगा तो ज़्यादा बना दूँगी. No thanks. मैं बाहर से खा के आऊँगा. बल्कि you sure ना तू डाइट कर रहा है? कल बटर चिकन, आज बाहर से खा लेगा. कोई फॉर्मेलिटी नहीं, मैं बना देती हूँ. अरे यार मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं बिजी हो जाऊँगा और मैं शायद लेट आऊँगा. पता नहीं मैं कब आऊँगा. एक्टर स्केड्यूल. ऑल द बेस्ट. बाय. हाय रुपेश यार, मैं 12 बजे पहुंच जाऊंगा. हाँ पुलकित, इसीलिए मैंने तुझे फोन किया. वो मीटिंग आज नहीं हो पाएगी यार, समीर सर गोवा जा रहे हैं फॉर अ लोकेशन रेडी. यार लेकिन अगले हफ्ते शूट है ना. आई नो बट शूट थोड़ा डिले हो गया है, तो टेंशन ना ले, मैं तुझे बताता हूँ. ब्रो सच बता, मेरे क्या चांसेस हैं? लाइक आई एम रियली काउंटिंग ऑन दिस वन. देख समीर सर को तू बहुत पसंद आया, ही इज लव्ड योर ऑडिशन. ओके इट्स जस्ट दैट वो एक बार मिलके रीडिंग करना चाह रहे हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं तुझसे. बस उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो जाएगा. आई कीप यू पोस्टेड, डोंट वरी, चिल. ओके cool, thank you. Rashi, wo I was saying, what is it? ये wallpaper मैंने online मंगाया and I was eagerly waiting for this. तो खुद लगाने वाली है? ये professionals का काम होता है, इसे खुद थोड़ी ना लगाते हैं. अरे बहुत easy होता है, it's like a sticker, कोई भी paste कर सकते हैं. That's so cool. कहाँ लगाएगी? अपने room में. नया काम शुरू किया है. I just need some new energy and what better than a new wall. Help चाहिए? नहीं यार, I'll manage. Come on यार, अब तो मेरे लिए खाना बनाने वाली है, तो मैं तेरे लिए इतना तो कर सकता हूँ ना. तू तो बाहर जा रहा था ना, तेरी मीटिंग है. मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई. I am home now. Oh, अच्छा ठीक है फिर, उठा. वैसे पुलकित तू अभी तक मुंबई में कैसे? क्यों, मुझे मुंबई में नहीं होना चाहिए था. नहीं, I didn't mean that. तुझे तो ऐसे पापा ने डेडलाइन दी थी ना 3 साल की, खुद को प्रूव करने के लिए. और आई थिंक अब तो 3 साल से ज्यादा टाइम हो गया होगा. और मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ. सक्सेस तो दूर की बात, अभी तक ये भी प्रूव नहीं कर पाया कि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ. नॉट इवन टू माय फ्रेंड्स, कैन यू बिलीव दैट? यार मैं तो ऐसे जनरली पूछ रही हूँ. आई एम सॉरी. आई एम सॉरी, आई गॉट कैरिड अवे. जनरली मैं स्ट्रांग रहने की कोशिश करता हूँ. कैसे? सुपर स्ट्रांग स्टैमिना कैप्सूल्स. यार 3 साल तो 6 महीने पहले खत्म हो गए थे. लॉकडाउन था तो 6 महीने और मिल गए, जिसमें से सिर्फ 2 महीने बचे हैं. Okay, so anything in pipeline? हाँ, एक बहुत ही बड़ा शो है, वेब शो, लीड रोल. I'm director's first choice. Hey, nice. आज फाइनल मीटिंग होने वाली थी, but it got cancelled. You know, last moment replacements, shows का cancel होना, delays, बहुत scary लगता है यार. जब मैंने एक्टर बनने का सपना देखा था तो you know इतने failures consider नहीं किए थे मैंने. सोचा नहीं था कि यार टैलेंट से ज्यादा इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स इंपॉर्टेंट है. एनीवे आई जस्ट हैव टू कीप वर्किंग हार्ड. हाय यार, पॉजिटिव है, आई एम श्योर यू गोना रॉक इट. सो कहां से शुरुआत करनी है? यार तू लैडर ले आ किचन से, मैं देखती हूं. ओके वो इमीडिएटली चिपक जाता है. तू मत चिपक, यू कैन लीव इट. कितना अच्छा लग रहा है ना? है ना? Totally goes with your personality. Happy and positive. I can totally imagine you sitting here and creating world class designs. Thank you so much and thank you for the help. अरे help क्या, इतना easy था. खाना बनाने में help चाहिए तो बता. नहीं खाना तुझे मैं बहुत अच्छा बना के खिलाऊंगी. And since I made the UI all the more smooth, ये पहले से भी ज़्यादा entertaining हो गया. Wow, it's great, ना? और जो glitches हैं उनका क्या? See, थोड़े बहुत glitches हैं. We'll sit with the coding team and fix them ASAP. और simultaneously beta testing चलती रहेगी. Beta testing तो चलती रहेगी. Corona की vaccine testing भी चल रही है. देश भी तो चल ही रहा है ना? See, I'm not concerned with this. I'm just concerned with the final product. Investors के साथ इस हफ्ते मेरी meeting है. So please, kindly get rid of those. Glitches. And let me tell you, my dear friend, glitches don't make riches.
Hey, don't be disheartened, okay? You know he's under a lot of pressure right now. Thursday ki meeting pe hamari future funding depend karti hai. The stakes are really, really high at the moment. But look at me. I'm super calm. Pata hai kyun? Kyunki main tumhara potential jaanti hoon. I have complete trust in you. Now, come on. मैं अपने फ्यूचर पार्टनर के फेस पे इतना ग्लूमी एक्सप्रेशन नहीं देखना चाहती। आई मीन फ्यूचर पार्टनर इन द कंपनी, फ्रेश फंडिंग के साथ हमारी कंपनी रीस्ट्रक्चर होगी एंड एज यू नो आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू गेट स्टेक्स इन द कंपनी। हाउ एक्साइटिंग इज दैट? दैट्स मोर लाइक इट, यू नो, शी स्माइल मोर ऑफन, लुक क्यूट। सब्जी बहुत अच्छी है, रोटी के साथ में और अच्छी लगती है, चावल के साथ में भी अच्छी है। मुझे खुद रोटी के साथ ज्यादा अच्छी लगती है। तो रोटी क्यों नहीं बनाई? मैं बताऊंगी तो तू हंसेगा। आई प्रॉमिस नहीं हंसूंगा। ओके, क्योंकि मेरी रोटियां गोल नहीं बनती है। समोसे तो तिकोने बनते हैं ना, क्योंकि मम्मी अप्रूव नहीं करेगी फिर। किसकी मम्मी? मेरी मम्मी यार, समोसे, चाय, घूंघट। ओके, जोक्स अपार्ट, क्या फर्क पड़ता है यार, रोटी को तोड़ के तो खाना है। सिर्फ अपने लिए बना रही होती तो बात अलग थी ना। ओह, सो यू आर ट्राइंग टू इंप्रेस मी विद योर कल्नरी स्किल्स? व्हाई वुड आई? तुझे क्या फर्क पड़ता है? यू आर द स्ट्रांग हेडेड रिस्क टेकर, कॉन्फिडेंट, ज़ीना द वॉरियर। तू तारीफ कर रहा है कि चाहिए? आई एम सीरियस। अरे लॉकडाउन में लोगों की जॉब छूट गई और तूने खुद अपनी जॉब छोड़ दी और खुद का काम शुरू कर लिया। That's amazing. भाई ने बताया तुझे? It's commendable. You are brave. Thank you so much, but I'm not the only one who's brave. तू भी तो अपना family business छोड़ के मुंबई में आकर अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं। It's not easy. वैसे घर का क्या हुआ? किसके? तेरे नए घर का? क्या सोचा है तूने? बिन बुलाए मेहमान को ज्यादा दिन entertain नहीं कर सकती मैं। दो तीन ब्रोकर से बात चल रही है, हो जाएगा। ब्रोकर? हाँ, ओके। नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, श्योर, या थैंक यू। घर मिला? ऑडिशन मिला, जल्दी से बना के भेजने। आई एम एक्साइटेड, प्लेट में रख दूंगा। तो बर्तन ऑडिशन की बात करेगा पहले? मैंने खाना बनाया ना, तो बर्तन तू करेगा? नहीं नहीं मास्टर जी, मुझे वैसा नहीं, मुझे एग्जैक्टली वही फैब्रिक चाहिए। देखो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। बेटा सिर्फ 19-20 का ही तो फर्क है। मैं सारे ऑप्शंस के फोटो भेज देता हूँ, तुम उसे दिखा दो, हो सकता है उसे पसंद आ जाए। नहीं नहीं मास्टर जी, सबसे पहली बात तो रितिका की शूटिंग चल रही है, मैं उसको बार बार कॉल करके डिस्टर्ब करना ही नहीं चाहती हूँ। दूसरी बात, ये मेरा पहला बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं बार बार उसके पास ऑप्शंस लेके जाऊंगी तो आई विल लुक इनकॉम्पिटेंट ना। और तीसरी बात, मैं उसको वही ड्रेस दूंगी जो मैंने कमिट किया। तो प्लीज आप देखो ना, किसी और वेंडर के पास मिल जाएगी। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ, अगर मिल गया तो मैं तुम्हें फोन करता हूँ। ठीक है आप बताना मुझे। नैना, कल मेरी पूजा के साथ शादी है और मैं जानता हूँ कि तुम भी यही चाहती हो कि हम दोनों अपने अरमानों का गला घोट के। सॉरी, मैंने सुना था कि एक्टर्स पागल होते हैं, पर पहली बार देखा है। एक्टर्स पागल नहीं होते, पैशनेट होते हैं। एक ही चीज नहीं होता यार, रिहर्स कर रहा हूँ कुशन के साथ। हाँ और क्या करता? विल यू हेल्प मी इन माई रिहर्सल? मी एक्टिंग? नो प्लीज। प्लीज यार, यू नो वॉट, मैं जितना अच्छा शूट पर हूँ ना, मैं उतना ही घटिया, उतना ही गंदा मैं ऑडिशन पर हूँ। यू नो वॉट, मैं को-एक्टर से बिना एक्टिंग कर ही नहीं सकता। आई नीड दैट गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, यू नो, डायलॉग्स एंड लाइंस। प्लीज सर, मुझे बहुत काम है। राशि प्लीज, मुझे काम चाहिए, अच्छा काम चाहिए। मेरे पास वक्त कम है और उससे भी कम है अपॉर्चुनिटीज। प्लीज, मेरे सपनों का क्या होगा? प्लीज सेंड इट डायलॉग्स। चल ठीक है, करते हैं। थैंक यू। जल्दी 5 मिनट है। ठीक है 5 मिनट। तो मैं क्या करूं? यहां खड़े रहना, मैं लाइंस बोलूंगा। नैना, कल मेरी पूजा से शादी है और मैं जानता हूँ कि तुम भी जानती हो कि हम दोनों अपने अरमानों का गला घोट रहे हैं। ऐसे कोई बात नहीं करता। अरे ऐसे राहुल बात करता है यार, प्लीज बी सीरियस, तुम्हारे टाइम। सॉरी सर, हम नहीं हंसूंगी पक्का। रेडी? तो ठीक है, मैं अपनी खुशियों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए। हाँ,
मेरे दिन अब पहले जैसे नहीं होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे खूबसूरत होठों की मुस्कुराहट नहीं होगी, मेरी शामें खामोश होंगी, क्योंकि तुम्हारी गहरी आंखों का साया नहीं होगा। हाँ, लेकिन मैं जी लूंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर वक्त, हर लम्हा मेरे अंदर रोशनी बनकर चलेगा। बस मुझे खुद को बुलाने के लिए मत कहना, क्योंकि वो खुशी मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। आई लव यू नाउ एंड आई विल ऑलवेज लव यू ऑलवेज। What? क्या 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 था ये? वो ये तुम अरे क्या मोनोसिलेबल में बातें कर रहे हो? मैं समझाता हूँ ब्रो, हम ना मेरे ऑडिशन का सीन रिहर्स कर रहे थे। अच्छा, आई लव यू राशि क्या था फिर? आई लव यू राशि नहीं था ब्रो, आई लव यू मासी था। वो जो कैरेक्टर है ब्रो, उसको उसकी मासी ने बड़े प्यार से और जतन से है ना पाल पोस के बड़ा किया है, तो इस सीन में ना वो उनको बोल रहा है कि वो उनसे बहुत प्यार करता है, तो आई लव यू मासी नॉट राशि। It was a typical case of mistaken identity. Yeah. Akura, humma. तभी मैं कहूँ तेरी छोटी बहन जैसी है। भाई, तू आज चोरों की तरह क्यों आ गया? अरे मैंने बेल बजाई थी, बेल बजी नहीं। ये किसने ऑफ किया था? वो ये बेल का स्विच है, मुझे लगा ये फैन का स्विच है, तो ऑडिशन में डिस्टरबेंस होती है ना, तो मैंने बंद कर दिया। सॉरी। ठीक है ठीक है, चल मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर चाय पियेंगे। ठीक है। राशि, मासी, आप चाय बना दोगे? थैंक यू। हाँ बेटा, फैब्रिक तो मिल गया। अरे मेरे का ही था ना, मिल जाएगा। हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। जिस कारीगर को हमने जयपुरी गोटा बनाने के लिए ऑर्डर दिया था ना, वो तो फोन ही नहीं उठा रहा था। जब मैं उसकी दुकान में पहुंचा तो उसने कहा मैंने गोटा तो बनाया ही नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। बनाया नहीं मतलब? अरे नहीं बना रहा तो बता देता ना, अब हम इतने कम टाइम में गोटा कहाँ से लेके आएंगे? हाँ बेटा, अब गोटा तो बन नहीं पाएगा। रितिका को तुम्हें दूसरे ऑप्शन के लिए मनाना पड़ेगा। मास्टर जी फिर वही बात, मैं कह रही हूँ अप्रूव्ड डिजाइन में हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। अरे चेंज नहीं करोगी तो ड्रेस नहीं बनेगी, फिर क्या करोगी? अच्छा ठीक है मास्टर जी, मैं देखती हूँ गोटे का क्या करना है। आप ऐसा करो, आज से कटिंग तो स्टार्ट कर ही दो, गोटे का मैं ट्राई तो करूँगी। ठीक है बेटा, मिल जाएगा तो फोन जरूर कर लेना। अरे राशि, नाश्ता तो कर ले। एक दिन खाऊंगी नहीं तो मर नहीं जाऊंगी। मैं नहीं खाऊंगा तो जरूर मर जाऊंगा। यार इतनी स्ट्रेस क्यों लग रही थी? सब कुछ ठीक तो है? पता नहीं, काम को नहीं क्या होगा, जब भी ऐसे मूड में होती मैं तो अवॉइड ही करता हूँ। क्या हुआ, सब कुछ ठीक है राशि? हाँ, वो ये रितिका कपूर वाली ड्रेस है ना, उसके लिए मैंने कारीगर को एक स्पेसिफिक चीज बनाने के लिए बोली थी और वो लास्ट मिनट मना कर रहा है। उसी का जुगाड़ करना है, पता नहीं कैसे होगा। चल भाई मैं अभी निकल रही हूँ। आई कैन आस्क माय फ्रेंड्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि शूट में स्टाइलिंग का काम करते हैं, दे माइट नो। हाँ तो अच्छे काम में परमिशन किसकी चाहिए, जा हेल्प कर। नहीं नहीं, लेट हिम फिनिश, आई विल मैनेज। नहीं नहीं नहीं, मैंने खा लिया। हाँ खा, लेट्स गो। श्योर। ये गाइस, सो वी हैव सम वेरी गुड न्यूज़ ओवर हियर, द स्टेक होल्डर्स आर वेरी हैप्पी विद आवर कंपनीज क्वार्टरली ग्रोथ। ये Well done. And also, third-party market research company से हमारी so-called flagship future app की analysis report आ गई है, और उनके हिसाब से हमारा ये जो app है, lie detector beta model, उसका user interface इतना smooth है कि कोई भी फिसल सकता है. Nice, no? What they are trying to say, the design is very impractical. It's not nice. Obviously, I'm very upset, but as usual, I'm drowning my sorrows into my laughter. बड़ी उम्मीद थी इस ऐप से और हमारे स्टार एम्प्लॉय से। वेर इज ही? अभय, अभय प्लीज कम हियर, टेक सेंटर स्टेज, आवर स्टार एम्प्लॉय, कम कम। अब तो लगता है कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाना तो दूर, कंपनी की इमेज ना खराब कर दी है। राजीव, ये बहुत कॉमन ट्रेंड है, थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स अक्सर नए इनोवेटिव डिजाइन्स को लेकर काफी बायस्ड होती है। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। ओह ओह ओह, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, कहां से लाते हो ये सब कॉन्फिडेंस? Are you like 200% sure के biased है? See, all I'm trying to say is that that is your problem, na?
You're just trying to say you're not doing anything. But bolo mat, karo na, karo na. Acha corona se yaad aaya. Do you guys wear your masks when you go back home? Wo naya strain aaya hai, it's very deadly. Kamaal hai, ab to corona ka bhi season 2 aa gaya. After the success of season 1. Par hamara app ab tak launch nahi ho paya hai. Listen up, bhai. अगर ये हमारा ऐप लॉन्च नहीं होता है सक्सेसफुली तो भूल जाओ कोई भी पर्क्स जो तुम्हें इस कंपनी से मिलने वाले हैं. ओके, फॉरगेट ऑल द फन. भैया दो सैंडविच बनाना, एक में नो आलू, नो एक्स्ट्रा चीज एंड नो बटर. तो भैया ब्रेड भी नहीं डालता हूँ, टमाटर और खीरा खा लो. मजाक कर रहे हैं, बैठिए भैया मैं लाता हूं. सर कासम, एक काम करो, अच्छी तरह ग्रिल करना, एकदम क्रिस्पी. जी जी भैया. तेरा चेहरा देख के इस समय ऐसा लग रहा है कि तेरे मन में ना एक दर्दनाक सा गाना बज रहा है. नहीं, बैड कॉमिक टाइमिंग है तेरी. तक मुल्क आगे रखेगी यार, आगे एक और मार्केट है, वहां पर जाके चेक कर लेंगे वापस. यार मिलना होता तो अब तक मिल जाता, सुबह से 20 मार्केट 100 दुकानें देख ली हैं, अब नहीं मिल रहा. एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड दैट. आई डू अंडरस्टैंड, आई नो इट्स इंपॉर्टेंट. यार एक गोटे की वजह से तू थोड़ी ना डिस्करेज हो जाएगी. आई मीन यार लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं. आई डोंट वांट टू बी अ फेल लाइक मी. लीजिए भैया, ये आपका सादा वाला. थैंक यू मैडम, आपका. सॉरी यार पुलकित, दिमाग बहुत स्ट्रेस हो रहा है. ओके यार, इट्स अ फैक्ट. अगर लाइफ में फेलियर्स ही नहीं होंगे तो सक्सेस का मजा ही कहाँ है. कल को जब मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा तो उसमें ड्रामा कहाँ से आएगा. क्या बोलूंगा लोगों को कि पुलकित दिल्ली से निकला, मुंबई पहुंचा, पहले ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हो गया, स्टार बन गया. आई मीन हाउ बोरिंग यार. तो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेगा अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो, वरना अ बुक ऑन हाउ टू डील विद फेलियर्स. इन एनी केस आई विल बी अ बेस्ट सेलर. तो अपनी फर्स्ट कॉपी मुझे दियो. भैया सैंडविच बराबर है? एकदम झकास. और कुछ चाहिए? भैया वो थोड़ी सी ग्रीन वाली चटनी होगी. मैडम अब शाम का टाइम है, हरी तो खत्म हो गई. मैं आपको इमली की लाल चटनी देता हूँ, एकदम मस्त टेस्टी. थैंक यू बस. अच्छा मैं बोला था ना बहुत अच्छी लगेगी. भैया थैंक यू भैया. और कुछ चाहिए तो बताना. थैंक यू. अरे पुलकित की इमली की चटनी के लिए इतने सारे थैंक यू. चटनी के लिए नहीं, आइडिया के लिए. व्हाट आइडिया? अब तुझे भी कुछ ऐसे ही करना है क्या? सैंडविच का ठेला खोलूं? तुझे ग्रीन चटनी को लाल चटनी से रिप्लेस करना है. सर कैन यू प्लीज सिंपलीफाई दिस फॉर मी. भैया के पास में ग्रीन चटनी नहीं थी तो क्या उसने ऐसा सोचा, ओ माय गॉड आई एम अ फेलियर इन लाइफ, मेरा क्या होगा? नहीं, उसने फुल कॉन्फिडेंस के साथ में एक बेटर अल्टरनेटिव दिया व्हिच यू लव्ड. तुझे वही करना है. पूरे सैंडविच को फेंकने के बजाय उसको रिप्लेस करना है विद अ बेटर अल्टरनेटिव, दैट्स इट. हां पर मैं अगर रितिका के पास ऐसे अल्टरनेटिव लेके जाऊंगी विल शी लाइक इट? यू हैव टू लाइक इट एंड बिलीव इन इट फर्स्ट. अरे कोई इंसान भी इंडिस्पेंसिबल नहीं होता है, ये तो एक गोटा है. तो इसकी वजह से एक अपॉर्चुनिटी को जाने देगी? जस्ट टेल मी. हां मतलब नहीं नहीं जाने दे. यू आर राइट यार, तू तो बहुत स्मार्ट है. सॉरी आई कान डू दिस. इतने कम टाइम में यू आई चेंज नहीं कर सकता मैं. राजीव को मुझसे ज़्यादा थर्ड पार्टी रिसर्च पे भरोसा है, देन आई कैन ड्रॉप दिस. जिस आर्किटेक्ट ने लीनिंग टावर ऑफ पीसा को डिज़ाइन किया था ना, उसने उसे जानबूझ के लीनिंग नहीं बनाया था. सोचो अगर वो स्ट्रेट होता तो क्या इतना बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन होता? तुम्हारा पॉइंट क्या? माई पॉइंट इज कि हो सकता है कि तुम्हारे ऐप के यूजर इंटरफेस डिजाइन में कुछ और, बट इंस्टेड ऑफ बीइंग सो डिसहार्टेन्ड अबाउट इट, मेक दैट योर यूएसपी ना. प्रॉमिस मी अब, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी बोले, तुम इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं दोगे. दैट्स लाइक द अभय नो. अच्छा लिसन, जो लीड इन्वेस्टर है ना मेरी यूनिवर्सिटी का एलुमना है, मैं उसे थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, पर उसके लिए तुम्हें सब कुछ रेडी करना पड़ेगा डेडलाइन से पहले. पॉसिबल? ओके प्रॉमिस आई विल डू इट.
great. You know, you would make an excellent life coach. I know. But only if I have you by my side. Thank you for the support. You know, partners thank you nahi bolte. They hug each other. Come on, hug me now. बच्चे जैसी हरकत है। जब कोई बहन अपने भाई का बर्थडे भूल जाए तो भाई को बच्चा बनके खुद का बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ेगा ना। तुझसे किसने बोला कि मैं तेरा बर्थडे भूल गई? तेरी शक्ल से देख रहा है। You look so surprised। हूँ मैं surprised? इसलिए नहीं क्योंकि मैं भूल गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि तूने मेरे सरप्राइज को अपने सरप्राइज से सरप्राइज कर दिया। मैं सरप्राइज होगी? क्या? अरे भाई, तेरा बर्थडे आज दिन की शुरुआत हुई है, दूसरे को टाइम तो दे सरप्राइज देने का। मैं दो दिन से पुलकित के साथ। तुम लोग मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे। बट अब तो फायदा नहीं है, बिकॉज़ तुझे पता है तो बर्थडे। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस रोज की तरह खुश हूँ। हैप्पी बर्थडे, थोड़ा सा ना बड़ा हो जाए। थैंक यू मेरे भाई। स्मेल कैसी आ रही? सॉरी ब्रो, इतना ब्यूटीफुल फैमिली मोमेंट चल रहा था, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। सो सॉरी। एंड ब्रो, मैं तेरा बर्थडे कैसे भूल गया? सॉरी अगेन। भाई को पता है, मत कर एक्टिंग। क्या सरप्राइज? सरप्राइज मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस रोज की तरह ऑफिस जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। ब्रो हैव अ गुड डे। एक्टिंग सुधार ले अपनी। एंड प्लीज टेक अ शॉट यार, इसको कहो। मेरी एक्टिंग पे क्यों अटैक करता है हर बारी? वही सरप्राइज क्या है? वही जो हम प्लान करेंगे। हेलो, या प्लीज कल कर सकते हैं इसको, अगर आज ना करें तो? नहीं नहीं ठीक है, आज ही करते हैं। ओके थैंक यू। क्या हुआ? ऋतिका कपूर को आज ही मिलना है और अभी तक मैंने गोटे के ऑप्शंस शॉर्टलिस्ट भी नहीं किए हैं और भाई के सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करना शुरू करना है। कैसा लग रहा हूँ मैं? ऋतिका कपूर से मिलने जा रहे हैं। I have to look my best. So this is your best? Yeah. अच्छा नहीं लग रहा क्या? मैं चेंज कर गया था, दो मिनट में आऊंगा। ठीक है। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी बस निकल रहे हैं, एक मिनट में। हाँ रुपेश यार, वो आज मीटिंग थी ना समीर सर के साथ में, सो आई वांटेड टू चेक। यार रुपेश कितनी बार, एक काम करता हूँ मैं ऑफिस आ जाता हूँ और उनसे मिल लूँगा ब्रेक में। पाँच मिनट लगेंगे लिटरली, कितने बजे आऊँ? लेकिन रुपेश, हेलो हेलो हेलो, यार कोई इतना अनप्रोफेशनल कैसे हो सकता है? मुझे लगता है ना इन लोगों को मज़ा आता है नए एक्टर्स को तंग करने में। दे फीड ऑन आवर डेस्पेरेशन। क्या हुआ? मैंने उस दिन कहा था मेरी मीटिंग के डायरेक्टर के साथ में, जो कि कैंसिल हो गई थी, उसने मुझे फिर से लटका दिया। कह रहा बाद में मिलेगा, उसको राजकुमार राव से मिलना है। अरे यार राजकुमार राव के पास में ऑलरेडी बहुत सारा काम है। आई नीड वर्क, मुझे काम चाहिए। आई नीड टू सील दिस डील एनी हाउ। पुलकित रिलैक्स यार, डेस्परेशन में चीज़ें अक्सर खराब होती हैं एंड थिंग्स टेक टाइम यार। और मना थोड़ी कर रहे हैं, कह रहे हैं ना मिलेंगे, तो अपना जॉब कर, फॉलो अप ले अच्छे से, पोलाइटली बात कर, हो जाएगा। तो चले फिर, आज करते हैं ऋतिका कपूर को इमली की चटनी के लिए कन्विंस। अच्छा सुनना, ये ऋतिका कपूर भी कुछ प्रोड्यूस कर रही है क्या? लाइक अनुष्का, सो मे बी आई हैव। नहीं 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 पुलकित, वहां ना हम मेरे काम के लिए जा रहे हैं, तो अपनी फील्डिंग स्टार्ट नहीं करेगा। तो मैं वहां पे क्या करूंगा? तेरा असिस्टेंट बन के खड़ा रहूंगा? हां ये तो अच्छा ऑप्शन है, तू असिस्टेंट बन जा मेरा। मैम बैक, मैं आपका असिस्टेंट हूं ना मैम, तो बैक। थैंक यू मैम। ये चेयर बहुत कंफर्टेबल है। कितने का पड़ा? थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज हेल्प योर सेल्फ और प्लीज एक एक करके, ठीक है? मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या केक? नो द फैक्ट दैट यू रिमेम्बर माय बर्थडे। कम ऑन,
The last person is always जिसका birthday मैं भूलूंगी. No, but seriously, it was a lovely surprise. Had to be. ये तुम्हारा last birthday है इस office में. As an employee, I mean, अगली बार तो तुम partner बन जाओगे. Future partner and all, हाँ. Hey, happy birthday, भाई. Thank you, Rajiv. Cake? नहीं. Thanks. अब तो मैं तभी celebrate करूँगा जब हमारा app successfully launch हो जाएगा. वैसे, don't get me wrong, to each his own. But you know, मेरे लिए पर्सनल सेलिब्रेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टीम की सक्सेस सेलिब्रेट करना. कभी देखा मुझे ऑफिस में से केक काटते हुए, टॉफीज बांटते हुए? जी ठीक, मैंने मनाया. That's why I said ना, to each his own. हाँ, but coming to office on your birthday, that I really appreciate. Thanks. किस किस का बर्थडे मैं कभी याद नहीं रखूंगी. निहारिका, can I get a moment with you, please? Sure. I'll just be back. Happy birthday. Have fun. Look at it. So nice and shiny. It's a total makeover ho gaya. Do you think I also need a makeover? Maybe something with my hair or the way I dress up. I feel that's what's missing in my life. Ha. Actually, tujhe makeover ki zarurat hai aur waise bhi bhai bolta hai tu ek wooden actor hai. So I think abhi karte tera makeover shuru. Are you kidding me? Nahi, I'm serious. Not good. मुझे तुमसे कुछ बात करनी है. आइए ना अंकल, अंदर बैठ के बात कीजिए. आप कुछ लेंगे? सिर्फ सच. मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को अच्छे लोग समझकर अपना ये फुली फर्निश्ड मकान किराए पर दिया था. बिल्कुल अंकल, पर अभी क्या हुआ है? धोखा. तुम्हें याद, एग्रीमेंट के समय मैंने तुम्हारे सामने कुछ कंडीशंस रखे थे. अच्छा, वो तो अंकल काम के लिए मैंने अंदर पूरा. एक नेल के लिए? मैं नेल की नहीं, मैं इस मेल की बात कर रहा हूँ. वॉचमैन ने मुझे बताया कि तुमने मेरा यह मकान इसे सबलेट किया हुआ है. इसे? नहीं नहीं अंकल, आपको गलतफहमी हुई है. ये तो बल्कि मेरा नेफ्यू है, मैं इसकी मासी हूँ. तुम इसकी मासी कैसे हो सकती हो? तुम तो इससे छोटी हो. हाँ अंकल, अब मैं आपको क्या बताऊँ. दरअसल बात ऐसी है कि मेरे मम्मी पापा ने ना मुझे बहुत लेट कंसीव किया. मेरी और मेरी बहन में बहुत एज डिफरेंस है. माय पेरेंट्स आर स्टिल वेरी रोमांटिक. मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा हुआ है. अंकल, मेरा बहुत ही ज्यादा कॉमन फेस है. रोज मुझे कोई ना कोई आके बोलता है कि आपको कहीं देखा है, आपको कहीं देखा है. अंकल, बहुत कॉमन फेस है. पुलकित मल्होत्रा. पुलकित मल्होत्रा यहां बैठा है. तुमने अपना नंबर गलत दिया. तुम्हारा नंबर लगता ही नहीं है. सर नंबर, सर किसने रॉन्ग लिखा है? 55 लिख दिया है, 56 है लास्ट में. तुम सही बताना ना नंबर. मैंने सही बोला. सॉरी सर, हुआ क्या एग्जैक्टली? काशिन बात बता था यार. अरे बाद में क्यों बताओगे, अभी बताना पड़ेगा. ये मकान मेरा है, मैं इस मकान का मालिक हूँ. मुझे जानने का पूरा अधिकार है, बिकॉज़ आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन. चुप रहो ना आप. लॉ अबाइडिंग सिटीजन ये कोई मुजरिम नहीं है, विक्टिम है ये. इसको किसी ने एड़ा बना के इसको 3 लाख का चूना लगाया है. 3 लाख? अरे मैडम क्या है, मुंबई में कोई भी आया था मुंह उठा के हीरो बनने के लिए. अब इतना भी क्या बेवकूफ बनने का कि किसी को उठा के 3 लाख रुपए दे दिया. हाँ अभी देखो, ये तुम्हारा डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मैं ये कुछ फोटो लेकर के आया है. कोई इनमें से? नहीं. ये सर इनमें से कोई भी नहीं है. पक्का? चलो अभी मैं चलता है, तुमको मैं कॉल करेगा, तुमसे थाने आना फिर. ठीक है, चलो. थैंक यू सर. बेटा मुझे तुम्हारे 3 लाख के चूने के बारे में सुनके बहुत बुरा लगा. टेक केयर. मैं चलो बेटा. पुलकित क्या था यार, तूने कभी बताया क्यों नहीं? ऐसा कौन सा महान काम किया था मैंने तुम्हें बताता? बट
3 लाख? हुआ क्या था? पापा ने मुझे 6 महीने का बक्से एक शर्त पे दिया था कि वो मुझे और पैसे नहीं देंगे। मेरे पास जितने पैसे थे अकाउंट में, मुझे उससे 6 महीने निकालने थे। फिर एक वेब शो मिल गया। आई थॉट इसके बाद मुझे मुंबई छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। शूट से एक दिन पहले मुझे प्रोड्यूसर का फोन आता है, वो कहता है कि उसके पैसे कहीं अटक गए। आई वॉन्टेड टू वर्क, आई वॉन्टेड द शूट टू स्टार्ट ASAP। तो मैंने उसे अपने पैसे दे दिए, बिकॉज ही प्रॉमिस मी कि मुझे मेरे पैसे लौटा देगा। अगले दिन शूट तो दूर, उसका फोन बंद था। एवरीथिंग वॉज डन, ही वॉज गॉन। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं इस तरह यहाँ पर आ गया, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तुझे एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है कि तूने किसी अच्छे इंटेंशन से पैसे दिए थे ना। और तेरा जब तक रहने का मन है तो उस घर में रह सकता है। पार्टी है आज। चल। अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। क्या यार तुम लोग भी ना, यू गाइस रियली डिडंट हैव टू। बड़ा हो गया यार, मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ। But seriously, I was not at all expecting, and thank you guys यहाँ आने के लिए। तुम लोग अपने busy schedule से यहाँ पे आए। I love you guys। Okay, make a wish। चलो। Okay। गाओ तो यार please। Okay। Happy birthday। No, I think she's on a diet, so she might not eat. Birthday cake तो खाना चाहिए ना? Okay, so we'll share. रहने दे फिर. Having good time. Yeah. So, what's so funny? Tell me. Actually, he was saying. I'm sorry, I was talking to him. Tell me. कुछ नहीं, वो राहिल ने मेरे सुपर स्ट्रॉन्ग स्टैमिना कैप्सूल की एड देखी थी ना, बट सृष्टि ने नहीं देखी थी, तो मैं उसको अपने फोन पे वही दिखा रहा था। एड देखते देखते वो कहती है कि इसमें जो मॉडल है ये तू नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें शर्टलेस हो ना। तो कहती है मैं तभी मानूंगी जब तू अपनी टी शर्ट निकाल के दिखाएगा कि तू ही वही है। तो इसमें फनी क्या है? Come on guys, how can you objectify someone like that? यही बात एक लड़का बोल देता तो वो चीप हो जाता। Rashi, I was just क्या? Trying to spice up your life. Office से घर, घर से office, bore हो जाते हैं ना? And what better than an actor who is shirtless? क्या बोल रही है तू? Oops, I'm so sorry. तू moment create कर रहा था क्या? मैंने खराब कर दिया, sorry यार. Believe me, बहुत अच्छे moments create करते हैं. Rahi, come. We'll go. I think they want some alone time. Come. Enough, Rashi. बस हो गया, घर पे बुला के बेइज्जत करती हो। आई कांट टेक दिस। अरे सृष्टि, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्या हो गया? ऑल ओके? क्या पार्टी सही में खत्म हो गई है? बता दो यार। ओ हेलो, मैं डरता वरता नहीं हूँ। I can kiss you and show right now. Not required. The moment has passed, my friend. The moment can be created again, my friend. ऐसे moments recreate नहीं किए जा सकते, my friend. ऐसा कुछ नहीं है। Individual पर depend करता है। तो फिर ठीक है, ढूंढ लियो कोई individual और कर लियो create. Oh no no, please leave that. I'll manage. I don't need your help. क्या हुआ राशि? तू शाम से इतना weird क्यों behave कर रही है? क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ, weird. राशि, I'm sorry यार, मैं party में कुछ गलत कह दिया, कुछ गलत behave कर रहा हूँ. Please Pulkit, ये फालतू के कहना दूसरे लड़कियों को दिखाना, जिनके साथ ना तुझे moments create करने होंगे, और हाँ moments create हो जाए ना, तो गायब हो जाना उनकी life से. मुझे बार बार ताने क्यों मारती रहती है? तूने मुझे कहा था कि 2 साल पहले जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ था उससे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। झूठ बोला था मैंने, फर्क पड़ता है मुझे। पता है क्यों पड़ता है? क्योंकि मैं ना तुझे बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। सुन लिया? हैप्पी? कर लो काम। हाँ तो यार मैं भी लाइक करता हूँ, लाइक से भी कहीं ज्यादा।
पता है, तेरे मन में अगर मेरे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स होती ना तो इसे गायब नहीं हो जाता यार। तू मेरे कॉल्स अटेंड नहीं कर रहा था, मेरे मैसेजेस के रिप्लाई नहीं कर रहा था। तुझे लग रहा होगा लड़की तो गले पड़ गई है यार, चेप हो रही है, कमिटमेंट देनी पड़ जाएगी, डर गया था ना। नहीं, मैं कमिटमेंट से डरा नहीं था। आई वुड लव टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू, बट आई जस्ट व्हाट व्हाट नो टेल मी द रीजन व्हाट। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की बहन को डेट नहीं कर सकता। आई कैन नॉट ब्रेक द ब्रो कोड। व्हाट इज दिस ब्रो कोड? यू कांट डेट योर बेस्ट फ्रेंड सिस्टर, दैट्स कॉल्ड ब्रो कोड यार, पीरियड। तू भी मेरे भाई का बेस्ट फ्रेंड है, मैं नहीं भाग रही हूं। क्योंकि तेरा कोई कोड नहीं है। प्लीज राशि, बात तो करना यार, आई एम टॉकिंग टू यू। देख भूल गया था, तू नहीं लाइक करता, नहीं करता। I can deal with it and I know how to deal with it. God damn it, I like you. Okay, so now you like me? मैं अभी भी तेरे best friend की बहन ही हूँ. Please don't do that. तेरा bro code break हो जाएगा. सब बदल गया यार. तेरे साथ रहते हैं तो मैं realize हुआ कि I can't resist my feelings for you. गधा था मैं, पागल था यार. अपनी ज़िंदगी के 2 साल waste कर दिए मैंने इस bro code के चक्कर में. But now I've realized I don't just like you. I love you, Rashi. इंपॉर्टेंट बात बोली उसके जवाब में। थैंक यू, थैंक यू। आई मीन आई लव यू टू विलकेट। थैंक गॉड, थैंक यू। वेट, आई थिंक वी शुड वेट टू गेट मैरिड। नो, पहले मैं अभी को बता देना चाहिए। अभी नहीं, कल। चाहता हूँ इस बार जब मैं तुझे किस करूँ तो बिना किसी गिल्ट के साथ करूँ। हाँ, बोलो बोलो। वो 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 Who let the dogs out? वो 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 क्या वो कर रहे हो? आगे बोलो, ये क्या चल रहा है? वो राशि तुझे बताएगी। मैं मैं बताती हूँ। मैं ये कह रही थी कि भाई जब से हम मुंबई आए हैं मेरे तरह कितना ख्याल रखा है ना। हाँ, तो मैंने ख्याल नहीं रखा क्या? हाँ रखा है, पर अभी हम हमारी बात कर, मेरी बात कर रहे हैं ना। हाँ बोलो। और तुझे याद है हम कॉलेज में साथ में थे तो मैंने तेरे लिए कितना कुछ किया यार। तुझे प्रीति पसंद थी इसीलिए मैं कभी बीच में आया ही। ओए प्रीति तुझे घास भी नहीं डालती थी। द पॉइंट इज आई हैव ऑलवेज पुट योर इंटरेस्ट बिफोर माइन। वैसे प्रीति थी तो बहुत सही। याद है हमने दोनों ने वैलेंटाइन से उसको फूल दिया था। पुरानी बातों को छोड़ना, तूने ही शुरू किया था। वो भी आज भी तो वैलेंटाइन्स डे है, मेरे बर्थडे के नेक्स्ट ही तो आता है। हाउ कैन आई फॉरगेट? तू तो आज बहुत बिजी होगा, मतलब ब्रेकफास्ट किसी के साथ, लंच किसी के साथ, रात को फुल नाइट। कैसी बातें कर रहा है यार? सॉरी आई गॉट कैरीड अवे। तुम लोग अपना बताओ ना, क्या बोल रहे हो, जल्दी बोलो। हाँ तो भाई हम कह रहे थे कि वी बेसिकली वी हाँ हाँ पहले वो हुआ वी यार इतना सस्पेंस मत क्रिएट करो यार, वैसे भी ऑफिस में आज बहुत सस्पेंस क्रिएट होने वाला है। क्या होने वाला ऑफिस में? यार कंपनी में फंडिंग आ गई है, कंपनी रिस्ट्रक्चर हो रही है, आई माइट बिकम अ पार्टनर। आई एम एक्साइटेड एंड नर्वस टू। मेरा छोड़ यार, तुम लोग अपना बताओ यार जल्दी। आई जस्ट वांटेड टू से दैट वी ऑल शुड गो टू द अम्यूजमेंट पार्क टुगेदर। इतना बिल्डअप इसलिए लिया था तू अम्यूजमेंट पार्क के लिए? मैंने क्यों? आई एम अम्यूज्ड अम्यूजमेंट पार्क। हे हाय Hi, I'm so sorry for yesterday. It's okay. कितनी बार सॉरी बोलोगे? तुम्हारी सिस्टर ने भी कॉल करके सॉरी बोला। Let's just move on. वैसे अंदर क्या चल रहा है? You don't know? No. Investors की फंडिंग आ गई है, रिस्ट्रक्चरिंग और डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है। Wow, that's good news.
You must be really excited, huh? Honestly, suspense is killing me. Suspense तो हम जैसे गरीबों के लिए. तुम गरीबों का भी टाइम आएगा. टेंशन ना लो, बस आवाज उठाओ. मैम, सर ने आपको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया. बुलावा आ गया. जाओ. Fingers crossed. All the best. Thank you. There is no color. राशि, listen ना. तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रही है? सरप्राइज था, मैं तेरे लिए केक बना रहे थे. ये टेस्टी तो होगा. खा के बताना. यादों में उलझे हुए क्यों हो गए हम लापता, लौट आए फिर वही. ना रोको अब हमें, लम्हा ये पल में छूट न जाए. ना रोको अब हमें, लम्हा ये पल में छूट न जाए. I'm sorry, मैं बहुत impatient हो रहा हूँ. मैं बहुत time से wait कर रहा हूँ. See, I understand, you guys must be saving best for the last, right? But मैं अपने documents वगैरह जो है ना, government IDs वगैरह सब ले आया हूँ. मतलब you need signatures, right? Yeah. Right? So let me know whenever you want me, guys. Okay. Okay. Listen, let's just sit and have a chat. You know, what is it? Go inside. What is it? Okay. So the good news is that investors के साथ meeting बहुत अच्छी हुई. They're highly impressed with you. They really, really liked your app. Okay. Okay. बट कंपनी की वैल्यूएशन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, अभी उन्होंने उसे अंडर वैल्यू कर दिया. सो वी हैड टू गिव देम मोर स्टेक्स टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम देम. सो इस बार हम तुम्हें वो 5% स्टेक्स नहीं दे पाएंगे. मतलब वी कैन इवन अफोर्ड इट. अब नो नो नो, हाउ कैन यू डू दैट? मैंने अपनी जान लगा दी थी इस प्रोजेक्ट ने पूरे एस्टिमेटेड टाइम से पहले खत्म करने में, राइट? मेरे इस प्रोजेक्ट की वजह से तुम लोग को ये इन्वेस्टर्स मिले, पता है ना? यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई नो अबे, आई नो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट. इसलिए हम तुम्हें 2 महीने की सैलरी एज बोनस एंड 10% इंक्रीमेंट भी दे रहे हैं. इंक्रीमेंट सबको मिला यहां पे. 5% मिला सबको. वी आर गिविंग यू 10% अबे. लिसन अबे, यू वेरी स्पेशल, ओके? एंड आई प्रॉमिस यू जल्द से जल्द तुम्हें वो सारी चीजें मिल जाएंगी व्हिच यू हैड होप फॉर. एवरीथिंग यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट मी अबे. यू ट्रस्ट मी, राइट? अबे, listen to me. क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? What happened? मुझे promise किया गया था अगर मैं ये project estimated time से पहले करता तो मुझे. एक मिनट, सबसे पहले मेरे cabin में चिल्लाना बंद करो. Secondly, तुमने वो ही किया जो तुम्हारा job है. You've not done something out of your way. और thirdly, मैंने कोई promise नहीं किया था. It was just a possibility that I stated. जिसने promise किया था. हाँ, मैंने promise किया था. लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि investors को ज़्यादा stakes देने पड़ेंगे. तो मेरे हिस्से में से क्यों दे रहे हो? अपने हिस्से में से दो. I try to understand. अगर हम अभी इतना dilute करेंगे तो आगे के rounds में क्या करेंगे? Why are you giving me an explanation? You don't know my explanation. हाँ, जो होना था वो. नहीं नहीं, क्या हो गया? Stop giving me all this bullshit, समझे? Language अब है. No, stop, please. Stop acting this. हो गई तुम लोग की नौटंकी, बहुत कर लिया तुम लोगों ने. गुड कॉप बैड कॉप, बस हो गया अब तुम लोग का. ठीक है. तुम्हें मैनेजमेंट बर्थ प्रॉमिस की गई थी, ओके? तुम्हें स्टेक्स प्रॉमिस किए गए थे, यू नो व्हाई? क्योंकि तुम जैसे कुछ एम्प्लॉइज होते हैं जो बिना किसी इंसेंटिव के, प्रॉपर ड्राइव के, फुल्ली मोटिवेटेड नहीं हो पाते. व्हाट्स इट कॉल्ड इन मैनेजमेंट? या द कैरेट्स एंड स्टिक्स अप्रोच. आई गेव यू अ कैरेट, सो ओके. तो ये इन्वेस्टर्स का कंपनी को अंडर वैल्यू करना एंड ऑल, ये सब एक्सक्यूज है. लोग तब से मुझसे झूठ बोले जा रहे हो. हमने झूठ बोला, क्योंकि अगर हम झूठ नहीं बोलते तो तुम तुम्हारा 200% कभी नहीं देते. नहीं देता मैं, 100% एफिशिएंसी के पैसे मिलते ना मुझे यहाँ पे. सो इट्स बॉइलिंग डाउन टू मनी, बात पैसों की है. ठीक है, टेक योर 15% इंक्रीमेंट, लीव. नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पीनेट में, कोई तुम्हारा बंधन नहीं. आई वांट व्हाट आई डिजर्व यहाँ पे.
lying, you'll get what you deserve then. Call the security, please. क्या करोगे? मुझे यहाँ से निकालोगे? Yes, you are right for once. Please call the security. Come in. इसे बाहर फेंक के आओ, बिल्डिंग के बाहर, रास्ते पे. सर प्लीज आइए. काम इसकी कोई जरूरत नहीं है. सॉरी सर. ये गधे उसे क्यों सॉरी बोल रहा है? बाहर फेंक के इसको. उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जा रहा हूँ. साले तेरे को भी मैं बाहर कर रहा हूँ. कॉन्टेक्ट हिज वेंडर. दोनों को साले को बाहर करो. इट्स ओके, इट्स ओके. तू भी जाएगा साले, आज तू भी जाएगा. इट्स ओके, मैं ही जा रहा हूँ. बट मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने साथ मेरा ऐप भी लेके जा रहा हूँ. तेरा कहाँ से हो गया भाई ऐप? इट्स द कंपनीज प्रोडक्ट. दिस ऐप इज क्रिएटेड एंड डिजाइन्ड बाय मी. कहाँ? मेरे ऑफिस के डेस्क पे बैठकर. किस पर? मेरी कंपनी के लैपटॉप पे. कैसे? मेरे ऑफिस की ऐसी की ठंडी हवा खाकर, यहाँ की कॉफी पीकर, पूरी सैलरी लेकर. तो साले तेरे अलावा यहाँ से और कोई नहीं जाएगा, समझा ना? और बदतमीजी की ना जेल भिजवा दूंगा. ऐसे कैसे जेल भिजाएगा? दिस ऐप इज क्रिएटेड बाय मी. मैंने सोचा है, दिमाग मेरा लगा है, डिजाइन बाय मी एंड कंसेप्चुलाइज बाय मी. तो कैसे करेगा तू बता? साले अब तो तू जेल जाएगा. हाँ, अभी फोन कर रहा हूँ डीसीपी को. तेरा करियर खत्म, सोच चला गया. पेरेंट्स को लेटर लिख देना, जेल में मिलने आएंगे. Are you waiting? He's capable of doing it. You know that, yeah. Please. अबे ये ना साले. अरे he's calling him actually, यार. अबे. Fine. नहीं नहीं wait. It's fine, Rajiv. Fine. You win. Niharika, I just have one request. क्या request है बोलो. मैं खुद resign करता हूँ. मेरा resume खराब हो जाएगा. Promise me about the bonus now. Just give me that. Okay, we'll give you that. Fine, we'll give it you, okay? मैं resignation letter type करके आता हूँ. Hey, रुक! जो भी होगा मेरी आंखों के सामने होगा. यहाँ रुक. अशोक! अशोक! जी सर. अभय की कैबिन से उसका लैपटॉप लेके आओ. जी सर. माना कि तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, नाम है, शोहरत है, 1 million इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी है, लेकिन मेरे पास कॉन्फिडेंस और है मुस्कान. मुस्कान ब्रीफ. अब मुस्कान अंदर भी. राशि, मैंने कहा था ना बाहर वेट कर. I'm sorry, मैं तो मुझे लगा तू थक गई होगी, मैं कॉफी लेकर आई थी तेरे लिए. यार मैंने कहा था साथ में कॉफी बनाएंगे, सुना नहीं था. प्लीज गो गो. कुछ और चाहिए तुझे? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए. गो गो. अब अच्छा मैं क्या कह रही थी पुलकित, एक बार स्माइल करके दिखा देना. क्यों? तेरी मुस्कान बहुत अच्छी. This is not funny. Go. मैं काम कर रही हूँ. मैं काम कर रहा हूँ. ये मेरा कैसे ऑडिशन है? अच्छा मैं कह रही हूँ तेरी ऐसी हेल्प कर देती हूँ, ऐसे वो लड़की आके खड़ी हो जाती. नहीं नहीं नहीं, इसमें ऐसी हेल्प नहीं चाहिए. इसमें मुझे सिर्फ मुस्कान, आई मीन ये मेरे मुस्कान के बीच की बात है. जल्दी आ. यार सारा फ्लो तोड़ दिया इसने. हेलो. हाँ रुपेश. अरे कब से फोन कर रहा हूँ यार तुझे, तू उठा ही नहीं रहा. यार वो मैं मेडिटेशन कर रहा था. ओह वेरी गुड, मुझे भी शुरू करना है यार. खैर अच्छा सुन, समीर सर ना तुझसे मिल नहीं पाएंगे. यार यहाँ से चांस गया क्या? हाँ ही इज वेरी बिजी, बट वो वीडियो कॉल पे बात करेंगे. क्या बात कर रहा है? मैं 10 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ, फिर से मेडिटेट करने मत बैठ जाना. नहीं नहीं नहीं, मैं रेडी हो जाता हूँ. अब है लिसन, इसकी कोई जरूरत नहीं यार. जो कुछ भी हुआ भूल जाते, लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग एंड स्टार्ट अफ्रेश. ओके अब है. एक्चुअली मेरी मेमोरी काफी तेज है और आज का दिन तो कभी नहीं भूलूंगा. This bastard has ruined us. तेरे को तो मैं जेल में ऐसे सड़ाऊंगा ना. You rotten jail, you bloody bastard, it's gone. जेल में सड़ाऊंगा? How dare you? Bastard, he's deleted it. Deleted it. गलती क्या करी? गलती से डिलीट हुआ यार. It's not a crime. अबे what the hell man, you conduct, what the shit are you doing यार? अभी अभी तुम लोग से ही तो सीखा ये सब. Well now you're my Kabir. अगले हफ्ते से शूट है. स्क्रिप्ट मेल करवा दूंगा, पढ़ लेना. And yes, my production manager will call you about the budget and fix everything. Okay, sir. Cool. Okay then. See you. See you, sir. Bye. Oh my God! Oh, Rashi!
उसका। हेलो। हाँ अरे पुलकित, अभी तक तुमने मुस्कान ब्रीफ का ऑडिशन नहीं भेजा। अरे भाई मेरे को मुस्कान ब्रीफ की जरूरत नहीं है। मतलब कि बाबा मेरे पास डेट्स ही नहीं है, अभी दोबारा फोन मत करना ठीक है, मिलते हैं कभी भी नहीं। सर ये आपका लैपटॉप, ऑल द बेस्ट। अच्छा वैसे अब तो ऐप तो रहा नहीं, मतलब इन्वेस्टर्स भी बैकआउट कर सकते हैं, सही है ना? अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा स्टेक्स के बीच में, मतलब क्लियर रहेंगे वहाँ। ओके हाँ एक और बात कहनी थी मुझे, ऐप हर जगह से डिलीट हो गया लेकिन एक जगह रह गया। कहाँ रह गया? कहाँ रह गया? टेल मी दिस बाय फ्रॉम यू, कहाँ रह गया? मेरे दिमाग में अभाई तू बहुत सेंसिटिव है यार। अरे इतना सेंसिटिव क्यों है? अच्छा यू नो कभी भी माय वे और हाईवे नहीं होता है, एक हमेशा मिडिल पाथ होता है ब्रदर। ब्रदर Shall we begin? What is that middle path? Brother? अपने steaks ले लो। And I don't mean those chicken or lamb steaks. 2% ले लो, 1% each, हमारे। Yeah, that's fine by me also. Not fine by me. 3% ले लो ना, 3%. नहीं, क्या negotiate कर रहा हूँ? अच्छा, पूरे 5% ले ले, जो पहले promise किया गया था। अच्छा, now we are cool. अच्छा, app recreate करने में कितना time लगता है? Just asking. जितना टाइम चाहिए ले ले। अबे तुम चुप क्यों हो? Listen, you got what you wanted ना? Okay, पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और उसके बाद ऐप दे देना। ओके? या एक्चुअली नहीं, तुम लोगों के साथ काम करने का मूड नहीं है मेरा। लाइक आई सेड, मेरी मेमोरी काफी तेज है और आज का दिन तो मैं कभी नहीं भूलूंगा, तो क्या करूंगा मैं तुम्हारे 5% जब मुझे तुम लोगों पर 1% भी ट्रस्ट नहीं है। तुम्हारी कंपनी और तुम्हारे स्टेक्स, तुम लोगों को मुबारक। हम वो ट्रस्ट रीबिल्ड करेंगे ना। अबे अबे क्या 6% ले ले, ले ले 6% ले ले। अबे रुक तो सही। I got it. You got the muskana lad? No. मैं अंदर से मुस्कुरा रहा हूँ। I'm so happy. Oh my God. I got it. What? Yeah. Did you remember the director जिससे मेरी meeting थी कुछ दिनों पहले? राजकुमार वाला? Yes. I was on a video call with him. He loved my audition. He gave me the part. I am the hero of his next web show. Lead? Yeah. Oh my God. I'm so happy. You can pinch me. This is real. I got the biggest break of my career. And I have you. Rashi, I love you. I love you too, baby. I'm so happy. Pulkit, what about the pro code? कल बता देंगे, I promise. बोल के तैयार हो? I have never been more sure than this. ये पुलकित हमेशा बेल ऑफ छोड़ देते हैं। राशि पुलकित, पुलकित हाँ भाई, कहाँ है तू? मैं घर पे हूँ, तू कहाँ है? घर पे तो मैं हूँ, तू कहाँ है? मैं रूम में हूँ। अरे दरवाजा खोलना, आई हैव बिग न्यूज़ टू शेयर। हाँ भाई, भाई एक मिनट में ना, मैं कपड़े चेंज कर। अरे पुलकित कहाँ है? पता नहीं भाई, तेरा दोस्त है तुझे पता होगा। हाँ मैं उसको कॉल करता हूँ। हेलो कहाँ है तू? ऐसे क्यों बात कर रहा है? मैं थिएटर में फिल्म देख रहा हूँ। कौन सी? ये आवाज क्यों नहीं आ रही है फिल्म की? साइलेंट फिल्म है।
रांची के कमरे से आवाज आ रही है, मेन वॉइस। ब्रो तू क्या फालतू का शक कर रहा है यार? फिर से मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ भाई। राशि दरवाजा खोल, सच सच बोल, कौन है अंदर? भाई मैं हूँ ना अंदर। मास्टर जी? नहीं भाई, मैं चेंज कर रही हूँ, मैं आती हूँ। इतना टाइम नहीं लगता चेंज करने में, दरवाजा खोल। दरवाजा खोल ही है, मैं दरवाजा तोड़ू। दरवाजा खोल। हाँ भाई, एक बस कर लिया चेंज। राशि दरवाजा खोल। हाँ भाई, एक मिनट। कौन है यार? कौन है इंसान? कौन चेंज है भी नहीं कर सकता। मैंने सब सुना, कौन है यहाँ पे? हाँ कोई भी नहीं है भाई। अरे हो, वीडियो की आवाज सुनी होगी। मैं वीडियो देख रही थी। पहले डिसाइड के लिए वीडियो देख रही थी या चेंज कर रही थी, बता मुझे। मैं वीडियो देखते देखते चेंज कर रही थी। बेवकूफ दिखता हूँ नहीं। किसका शर्ट है ये? क्लाइंट का शर्ट है भाई। क्लाइंट का शर्ट है ये तेरा? हाँ, तो छोड़ ना क्लाइंट को, तू मैंने केक बनाया, तू कुछ शेयर करने वाला था ना, आ चल केक खिलाते थे। चूहा, भाई चूहे बहुत हो गए। मैं बता रही चौधरी अंकल को ना, मैं एक दिन डांट दूंगी, मेरा फैब्रिक खराब हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। चूहा बोला ना तूने? हाँ चूहा तो है, आज उसको पकड़ के ही जाऊंगा मैं। तू यहाँ? तू छुप छुप के मेरी बहन को कपड़े चेंज करते हुए देख रहा था? No. You bummer! भाई मुझे पता था वो वहाँ पे। मुझे सब क्या कर रहे हो तुम लोग? इसलिए तू जाना था ना इस घर में? तूने एक कॉल किया था, मैंने कहा कि बेझिझक आ जा ब्रो इस घर में। अच्छा सिला दिया तूने दोस्ती का, तेरी छोटी बहन जैसी यार। हाँ भाई यार, मैं उसे बहन नहीं मानता हूँ, कभी भी नहीं माना उसे बहन, कभी भी नहीं माना। मतलब ये कब से चल रहा है फिर तुम लोगों का? एक मिनट भाई, तू कुछ गलत समझ रहा है। It's just that, जब 2 साल पहले हम लोग सब गए थे ना न्यू ईयर पार्टी, साल से तुम दोनों का चल रहा है मुझे पता भी नहीं भाई। What about the bro code, bro? ये what is this bro code? भाई क्या स्कूल के बच्चे हैं क्या हम? इसमें मेरी क्या गलती? अगर वो तुझसे पहले मिल गया, तेरा दोस्त पहले, इसका मतलब मैं और वो। Wow, wow. No, I'm sorry. What a day. पहले ऑफिस में बॉसेस ने धोखा दिया, now my best friend and my sister. राशि, मतलब तू तो प्रिटेंड करती थी जैसे इसको पसंद ही नहीं करती है, मतलब वो, ताकि मुझे ना पता चले। Wow, what a great actor, man. Like, तुम दोनों को साथ में ऑडिशंस देना चाहिए यार, प्लीज। एंड ओ ब्रो, आई एम सो सॉरी, I was wrong. I thought you were an average actor, but you are brilliant, man. Brilliant. Rashi, right? You guys are adult. I'm so sorry. Sorry. मैंने तुम लोगों को disturb किया, but hi, please. Now, have your good time. Sorry, guys. मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ. क्या बोल रहे हैं भाई? Please. दरवाजा बंद कर देता हूँ मैं. Coffee. Sorry. कल मैंने थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर दिया, एक तो ऑफिस का हंगामा, आई टू क्विट, ऊपर से ये सब। क्विट? यू वर एक्सपेक्टिंग पार्टनरशिप ना? आई वाज कॉन्ड जस्ट टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। नो वेट, बट हारिका शी गिव यू कॉन्फिडेंस। हारिका वाज अ पार्ट ऑफ दिस। टैलेंटेड है यार, यू डिजर्व द बेस्ट, यू गेट अ बेटर जॉब। जॉब तो नहीं, हाँ अब कुछ अपना स्टार्ट करना है, अपनी बहन से इंस्पायर होना है। भाई वी आर जेन्युइनली सॉरी, हम कभी तुझे हर्ट नहीं करना चाहते थे यार, और जिस तरीके से, बहुत अजीब हो गया यार। इट्स ओके, लाइक आई सेड, यू गाइस आर एडल्ट्स, तुम लोग जो चाहे कर सकते हो। हाँ मेरे लिए मुश्किल है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरा बेस्ट फ्रेंड एंड माय सिस्टर, वो भी 2 साल से। भाई 2 साल पहले वी रियलाइज दैट वी लाइक ईच अदर, और फिर पुलकित ने ब्रो कोड की वजह से मुझे कट ऑफ ही कर दिया था अपनी लाइफ से, एंड आई हेटेड हिम फॉर दैट। ब्रो मुझे पता था अगर हमारे बीच में कुछ होता ना तो तुझे बुरा लगता। आई डिडंट वांट टू हर्ट यू, आई स्वेयर, मुझे यहाँ पर आना भी नहीं था ब्रो,
मजबूरी में यहाँ पर आ गया। मैं 10-12 लोगों से पूछा, सबने मुझे ना बोला, तो मैं यहाँ पर आया हूँ फाइनली। एंड आई थैंक यू फॉर दैट जेन्युइनली। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी फीलिंग राशि के लिए रेजिस्ट नहीं कर सकता। आई लव हर मोर देन आई एवर लव्ड एनीबॉडी। यू लव हर? या। और तू? या आई लव हिम भाई। You guys are in love with each other. My best friend and my sister. कितना टाइम लगाएगा यार, मेकअप कर रहा है क्या? चलो चलो गाइस, आई एम रेडी, लेट्स गो। थोड़ा और रेडी हो जाता है? क्यों, अच्छा ही लग रहा है क्या? चेंज कर गया हूँ 2 मिनट में। यार तू भी और भाई तू भी, चलो यार बहुत लेट हो रहा है, खाना भूख लग रही है। अरे यार मास्टर जी, आप? हाँ बेटा, बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे खुद आना पड़ा। आइए ना मास्टर जी, बैठिए। आइए मास्टर जी, बैठिए। क्या हुआ? ये देखो बेटा। मास्टर जी मोबाइल में था तो सेंड कर देते। मास्टर जी ये तो बिल्कुल वैसा ही गोटा है जो हम लोग ढूंढ रहे थे। बताओ अब जाके मिला है, क्या फायदा? बेटा ये वैसा ही नहीं बल्कि वही है। कल रात को मैं बतरास के गोडाउन में कुछ ढूंढ रहा था तो कोने में पड़ा एक बैग मिला जिसमें ये था। मतलब मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। चंद्रा ने उस कारीगर को डराया, धमकाया, लालच दिया और उसे गोटा ले लिया, और उस कारीगर ने हमसे झूठ बोला। चंद्रा कौन है? इंद्रनील चंद्रा, डिजाइन डिवीजन हेड है बत्रास में। नहीं पर चंद्रा ऐसा करेगा क्यों? ताकि राशि बेटा अपने प्रोजेक्ट में कामयाब ना हो पाए और उसकी इमेज मार्केट में खराब हो जाए। मास्टर जी पर हमारे डिजाइन्स के बारे में तो किसी को भी नहीं पता। बेटा रितिका की ऑफिस में कोई है जो तुम्हारी सारी बातें उसको बताता है। इतना बड़ा डिजाइनर हाउस है, उसमें इतनी घटिया हरकत कोई कैसे कर सकता है? शायद इसलिए क्योंकि राशि ने उनका क्लाइंट ले लिया। बेटा ये गोटा अब मेरे पास है, तुम चाहो तो हम लोग उसे अभी भी ड्रेस पर लगा सकते हैं। नहीं चाहिए मास्टर जी, अब जो हमने डिजाइन फाइनल किया है उसी पे ही काम करेंगे। और मैं ये भी नहीं चाहती कि आप पे किसी भी तरीके का कोई शक आए। चंद्रा को पता से चलना चाहिए, वो कुछ चीजें हाईजैक कर सकता है, मेरा टैलेंट नहीं। ठीक है बेटा मैं चलता हूँ। थैंक यू मास्टर जी। थैंक यू किस बात का बेटा? ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रहा हूँ ताकि तुम कामयाब हो जाओ और मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ काम कर सकूं। बस सलील आदमी के साथ नहीं। अच्छा बेटा चलो ठीक है ना, मतलब ड्रेस तो बन रही है ना, सब कुछ अप्रूवल मिल गया तुझे है ना। और ये सोच तू इतनी बड़ी थ्रेट है उनके लिए कि उन लोगों को इतनी तुच्छी इतनी गिरी हुई हरकत करनी पड़ रही है। मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रही कि इतनी बड़ी कंपनी ऐसा करेगी क्यों। या तो मास्टर जी झूठ बोल रहे हैं या फिर उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मास्टर जी झूठ नहीं बोल रहे। हाँ शी इज राइट, बॉसेस होते ही ऐसे हैं, अपने किसी भी एम्प्लॉय को आगे बढ़ने ही नहीं देते। बॉसेस नहीं सिर्फ वो चंद्रा, उसी का किया था ऐसा। पर क्यों यार, उससे क्या फायदा होगा? ये सब सुन के ऐसा लग रहा है कि उसको कुछ पर्सनल ग्रज है तुझसे। ही वांट्स टू गेट बैक एट यू। कुछ हुआ था क्या? ऐसी क्या हुआ बता ना। आशी छोटी, इट्स ओके, तू शेयर कर सकती है। सर आई जस्ट वांटेड टू से दैट कि मुकुल सिन्हा के प्रोजेक्ट से आपने मुझे बिल्कुल ही साइडलाइन कर लिया है और रिम्मी को इन्वॉल्व कर लिया है। सर शी इज जस्ट एन इंटर्न, उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। माय डिजाइंस आर एनी डे बेटर। आई एग्री योर डिजाइंस आर एनी डे बेटर, बट रिम्मी हैज अ बेटर एटीट्यूड। वो मुझसे सीखना चाहती है। She allows me to guide her. That's okay. Things can change. तुम अभी भी मुझसे सीख सकती हो। फिर देखो तुम्हारा करियर किस लेवल पे पहुंचता है। So with due respect, पिछले 2 सालों में मैंने जितना मैं क्या बकरी की तरह मैं you are so self-centered. Where is the teamwork? Where is the team spirit? You and I have to work together as a team. Where is the comfort level? Where?
मैं वीकेंड के लिए अपने फार्म हाउस अलीबाग जा रहा हूँ। कम अलॉन्ग, गेट टू नो मी बेटर एंड आई प्रॉमिस उसके बाद सभी प्रोजेक्ट्स तुम ही हेड करोगी। Excuse me, I think I should go back to my desk. उसने ऐसे अटेम्प्ट्स बहुत बार किए मेरे साथ। मेरे लिए काम करना हुआ इतना ज़्यादा टॉक्सिक और सफोकेटिंग हो गया था कि The hell man, bro, चल मेरे साथ। साले का मुंह तोड़ के आते हैं। पागल मत बन, बैठ। उससे क्या होगा? छुटकी इतना कुछ हुआ तूने एक बार भी सोचा नहीं मुझे बताने का? मुझे नहीं पता था तू कैसे रिएक्ट करेगा और तेरा खुद का वर्क प्रेशर इतना था उस टाइम पे। यार आर यू मैड? फैमिली किस लिए होती है? हम दोनों अपने पेरेंट्स को छोड़ के यहाँ साथ में इसलिए रह रहे हैं ना ताकि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। तूने कंप्लेन क्यों नहीं की? की थी मैंने एचआर से। बुलाया उन्होंने मुझे, कह रहे थे गलती मेरी है क्योंकि मैंने उसे लीड ऑन किया है। कभी कभी दो मीटिंग्स के बीच में साथ में लंच कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ लंच डेट पे गई थी। यार मेरे लिए वो एक मेंटोर की तरह था मेरा। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड यार मुझे नहीं करना है यार ये। आई जस्ट वांटेड टू क्विट। आयरोनिकली मुझे रेजिग्नेशन लेटर भी उसे ही पकड़ाना था। अच्छा हुआ तुमने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। आई वाज एनीवेज अबाउट टू फायर यू। ऑन व्हाट ग्राउंड सर? मिसकंडक्ट। मी मिसकंडक्ट? तुम्हें क्या लगा कि एचआर में जाके मेरी कंप्लेंट करोगे और वो मुझे निकाल देंगे? 12 साल से इस कंपनी में हूँ एंड आई एम द स्पाइन ऑफ दिस कंपनी। स्पाइन? वेल आई पिटी दिस कंपनी सर जिसका स्पाइन एक स्पाइनलेस इंसान है। मैं देखता हूँ तुम्हें कहाँ जॉब मिलती है। ओ प्लीज सर, आपको कुछ देखने दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद का काम शुरू करने वाली हूँ। सर की किसी गली में जाके अपना एक बुटीक खोले ना, महीने की 4 कुर्तियां तो बेच लोगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर विशेस। सो यकीन था मैं लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए जब उसे रितिका कपूर वाले प्रोजेक्ट के बारे में पता चला तो उसने ये सब किया। मैं तुझे बोल रही थी ना उस दिन, ब्रेव नहीं हूँ यार मैं, बस कोई और ऑप्शन ही नहीं था। राशि तू ब्रेव है, ये सारे डिसीजन तूने खुद लिए अकेले, तू बहुत ब्रेव है। बिल्कुल, तुझे पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए थी। मुझे नहीं पढ़ना यार उन सब नेगेटिविटी में, इतना बड़ा डिजाइन हाउस है, मीडिया में इतनी तेजी से बात फैल जाती है और सारे एलिगेशन उल्टा मुझ पे लगते हैं। मुझे करियर पे फोकस करने का टाइम है, मुझे नहीं पढ़ना ये सब मी टू बैटल में। यार अगर हर लड़की ऐसा ही सोचेगी तो ऐसे लोग कभी भी नहीं रुकेंगे एंड यू नो दे डिजर्व टू बी पनिश्ड। हाँ तुझमें हिम्मत थी, तू निकल गई वहां से। सोच ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जो मजबूरी में प्रेशर में आके फंस जाती हैं। भाई तू सही कह रहा है, पर लोग ये समझेंगे कि ये सब मैंने पब्लिसिटी के लिए किया है। उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया तो मैं उनके ऊपर केस कर रही हूँ। जिसको जो सोचना है तू सोचने दे, उनकी थिंकिंग को तू कंट्रोल नहीं कर सकती है। तूने जो कुछ भी किया है ना गलत नहीं किया है, लेकिन अब वक्त आ गया सही करने का। कर लूंगी मैं अपने लिए। और मम्मी पापा? पूरे फालतू में लोगों के सवाल झेलने पड़ेंगे। मम्मी पापा से मैं बात कर लूंगा, तू टेंशन मत ले। इन फैक्ट दे विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू। राशि यू हैव टू डू इट, तू इस लड़ाई में अकेली नहीं है, हम दोनों तेरे साथ हैं। And Chandra has to pay for what he has done. Yeah. You guys are right. Time aa gaya yaar Chandra ki haqeeqat duniya ke samne lane ka.